राखी जी क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मनोज पाटिल जो बॉडी बिल्डर है ना, जिसने मनोज पाटिल, उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट किया जो आपके जिम में आते ना आपने, जो मैंने, जी जी जी, कैसे? उनका और साहिल खान का झगड़ा चल रहा है। ओ माय गॉड, मिस्टर इंडिया जो था, जी जी जी, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया जी था। जी हाँ। ओ माय गॉड, सो सैड, बहुत मैं सैड हूँ। ओ माय गॉड, क्या झगड़ा हुआ था मुझे नहीं पता। मैम वो कुछ सप्लीमेंट को लेके, वो उनके ऊपर आरोप लगा कि फेक स्टेरॉइड बेचते थे, तो सुसाइड किया। वो तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था अभी। नहीं नहीं, ऐसा किसी को नहीं आरोप लगाना चाहिए। और देखो अभी क्या बोलूँ, आजकल जनरेशन बहुत सारा लेती है ऐसा ड्रग्स व्रग्स, नहीं लेना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए। गलत बात है ना, लोगों को ड्रग्स व्रग्स ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। मुझे मालूम है स्लिम होने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, मतलब अपनी जान से मत खेलो। थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और ये हंसे हमारे साथ कौन है जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, और हमको बहुत गर्व है, मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल। मनोज पाटिल, सो मनोज पाटिल जी आज आपको एक अच्छी इमोशनल स्टोरी बताएंगे। स्टोरी तो आपको मैंने हमारा दोनों को वीडियो जो बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे यू नो मैं मैसेज किया कि आपका राखी मैम के साथ वीडियो वायरल हुआ। जब मैं स्कूल में था नैनसा के विद्यालय में, जब आप आए थे और वहाँ पे आई थिंक अपने कंप्यूटर हमें गिफ्ट किए थे, फैन कंप्यूटर एसी, तो उस टाइम पे मैं मतलब बहुत छोटा था, तो मुझे आप मतलब उस टाइम पे आप बहुत फेमस थे, मतलब अगर मेरा पर्जी से वीडियो में डांसिंग का कोई है तो राखी सावंत ऐसा। सो मैंने ना आपका इंटरव्यू अपना क्या बोलते ऑटोग्राफ किया था उस टाइम पे, और उस दिन आपको मिला तो आपको मैंने वो स्टोरी बताया, तो इट वॉज मतलब अच्छा लगता है कि ना मैं इमोशनल हो गई, रोने लगी थी मैं। एंड आप जितने भी आपके सॉन्ग्स अभी आ रहे हैं, मैं नाम भूल गया लेकिन मैं ड्रीम में और भी आने वाले हैं, और भी आने वाले सारे वीडियोज के लिए, सारे सॉन्ग्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे आप अच्छा करते रहो हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और जितने भी लड़के आजकल जो मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक ही बोलना चाहता हूँ कि हार्डवर्क कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, हार्डवर्क जितना करोगे, फोकस जितना लाइफ में रहोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट इज लॉन्ग कट आप पाओगे तो सक्सेस पाओगे। हमारे मिस्टर इंडिया की बॉडी देखो, ये देखो, वो इतना जिम में मेहनत करते हैं, पूरा डेडिकेट करते हैं, एंड आपको भी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।